The meaning of the word corruption is the mental degradation of a person who gives undue favors to somebody for money. भ्रष्टाचार शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति की मानसिक गिरावट जो कि किसी के फेवर करता है, किसी के पक्ष की गल करता है सिर्फ पैसे के लिए. इट कुड ऑल्सो बी फेवरेटिजम शोन टूवर्ड्स वंस फ्रेंड और रैलेटिवस. फेवरेटिजम पक्षपात तो एक तरह का पक्षपात भी हो सकता है जो कोई व्यक्ति अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार के लिए दिखाता है. मतलब करप्शन के इतने दो कारण दसे गए हैं, एक तो पैसे के लिए किया जाता है, दूसरा जो अपने मित्र या रिश्तेदार है उन्होंने प्रेफरेंस उन्होंने पहल देने के लिए किया जाता है. Nowadays, corruption is widespread in almost all walks of life. All walks of life, मतलब जिंदगी के हर खेत्र दे विच जिहड़ा करप्शन है भ्रिष्टाचार है हुण जिंदगी के हर खेत्र दे विच है. Corruption is not a malady of modern age. Corruption आधुनिक युग की प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल नहीं है. ब्राइबरी वॉज वेरी कॉमन इन रोमन एम्पायर. तो ब्राइबरी रिश्वत लेना जो रोमन एम्पायर के भी बहुत आम गल सी. ईवन चाणक्य हैज़ मैनशनड केसिस ऑफ एम्बेजलमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इतों तक कि चाणक्य ने भी मैनशन किया यहोजे केसिस आ जिदे विच सरकारी अधिकारी है जोड़े वो फंडा की हेराफेरी करते सू दिखाई देंगे पता चलता है उन्होंने बारे. प्रेजेंटली इंडिया फिगर्स एज द सैवंथ मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो हूँ जो अज के टाइम के इंडिया सत्तवें नंबर पर है करप्ट कंट्रीज़ के वर्ल्ड लैवल पर. अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अ नॉन गवर्नमेंटल जर्मन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जड़ा डेटा है ये कहदा है ये हैगा एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उहदे द्वारा दिता गया डेटा है. और ये बुक पुरानी है सो ये डेटा अज के टाइम के सही नहीं है. ब्राइवरी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन इन आवर कंट्री. सो रिश्वत है जड़ा रिश्वत लेनी ये साड़े देश दे विच एक कॉमन फॉर्म है करप्शन की. देयर इज़ हार्डली एनी गवर्नमेंट ऑफिस वेयर जॉब कैन बी गॉट डन विदाउट ऑफरिंग ब्राइब्स इन सम वे. मतलब कहने का भाव है कि जिहड़ी साडे सरकारी जिहड़े ऑफिसर्स है उन्होंने अगर असी कोई जॉब है जिहड़ी वह लैनी है तो बहुत घट इदा दी जगह है जिथे सानू बिना रिश्वत उत्ते जिहड़ी है जॉब मिल सकती है. बहुत घट सम डिपार्टमेंट्स लाइक द कस्टम्स एंड एक्साइज इनकम टैक्स CPWD म्यूनसिपैलिटीज एटसेट्राज आर रिपोर्टली नोटोरियस इन दिस रिगार्ड. नोटोरियस बदनाम मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने नाम दिए गए हैं तो बहुत बदनाम है कहदे लिए करप्शन के लिए. Corruption in these departments is rampant at all levels from the highest to the lowest. और इन्हों डिपार्टमेंट्स भ्रिष्टाचार उपर तो लैके थले तक हर लैवल पर जरा देखा जाता है. After independence आज़ादी तो बाद there were many government activities, projects which involved massive investments. जेडे आज़ादी तो बाद जो बहुत सारिया जो एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स है जोड़े सरकार ने शुरू किए जिस बहुत जी है इनवैसटमेंट की गई है. एज अ रिजल्ट देर वॉज़ अ लैक ऑफ एडिकुएट कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी. और इस वजह के करके जोड़ा फंडस से जोड़ा कंट्रोल है ओदी भी जिहड़ी कमी देखी गई है. दूसरा जिहड़ी अकाउंटेबिलिटी है मतलब जो जिम्मेवारी बनती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वो भी है जिहड़ी वो सही तरह किसी की मतलब किसी की जिम्मेवारी नहीं बनाया गया है.
ਆਲ ਦਿਸ ਲੈਡ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦ ਗਵਰਮੈਂਟ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੂ ਹੈਡ ਦ ਪਾਵਰ ਬਿਗੇਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਦੇਅਰ ਔਨ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜੋ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੋਲਸ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਪਰਮਿਟਸ ਐਟਸੈਟਰਾਜ਼। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਹੈ, ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰਮਿਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਗਵਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੂ ਆਰ ਐਟ ਦਾ ਹੈਲਮ ਆਫ ਦਾ ਅਫੇਅਰਸ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮਿਨੇਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਰੂਟਸ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਓਨਲੀ ਦ ਪਰਸਨਸ ਆਫ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੂਜ਼ਨ ਫੋਰ ਗਵਰਮੈਂਟ ਜੋਬਸ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੋਮਨ ਮੈਨ ਦ ਈਵਲ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਂਟ ਬੀ ਇਰੈਡੀਕੇਟਡ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਈਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।